अस्सलाम वालेकुम। माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे, खुश बाश होंगे। और जनाब, मैं चेक कर रही थी कि आज मेरा माइक बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया था लास्ट टाइम और आप लोग जो थे उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लैरिफाई नहीं हो सकी थी। तो आज का रन डाउन बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारे हर लाइव सेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा सबूत होते हैं, तो इतनी ज्यादा हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि हो सकता है कि शायद हमें कल भी लाइव आना पड़े। लेकिन आज का जो रनडाउन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आज हमने आपको बताना है कि वो लोग जो एतराज ये करते रहे हैं कि नहीं जी नहीं, ये तो सिर्फ मच्छी साहब के भाईजान जो हैं वो ही फ्रॉड करते थे, इसमें मच्छी साहब या उनकी फैमिली का या उनके वालिद साहब का कोई लेना देना नहीं। आज हम आपको कुछ इस तरह के नाकाबिले तरदीद सबूत देंगे जिसको आप कहीं से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि किस तरह से मच्छी साहब के भी आगे फैमिली मेंबर्स और उनके फादर जो हैं वो किस तरह से इस चीज में इन्वॉल्व रहे हैं, किस तरह से उनके नाम के चेक्स दिए जाते रहे हैं। उसके अलावा आज हम आपको जो परी के ताया है मोहतरम फ्रॉडी ताया साहब, ये वैसे तो मैं ये कहूंगी कि ये फैमिली जो है इसका नाम होना चाहिए फ्रॉड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड। तो फ्रॉड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड का जो रूहे रवान जिसके साथ परी की शादी करने वाले थे उसका भी हम आज आपको सबूत दिखाएंगे। फिर उसके अलावा आज हम आपको बताएंगे कि हमने आपको कहा था कि इन्होंने खाद के नाम पर फ्रॉड किया, इन्होंने दवाइयों के नाम पे फ्रॉड किया, इन्होंने हर चीज के नाम पे फ्रॉड किया, लेकिन इन्होंने गाड़ियों के नाम पे फ्रॉड किया, वो कैसे किया आज उसके भी सबूत हम आपके सामने पेश करेंगे। इसके अलावा कुछ हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो कि हम शो के दौरान ही अगर दिखाएं तो उसका ज्यादा मजा जो है वो दुबाला होगा। तो चलिए अपने पैनलिस्ट का आप लोगों से तारुफ करा दूं, द वन एंड ओनली द बंग लॉयर जाफरी साहब, अस्सलामु अलैकुम। और दूसरे नंबर पे हमें ज्वाइन किया है द ब्लू ब्लू जो करे सबका सफाया, नाम ही काफी है, बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जाफर साहब, आप ठीक हैं? ये रेड ब्लू एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, देखें जरा आप। ये रेड नहीं है, रस्ट कलर है। अच्छा जो भी, हमारा लय हमें क्या रंगों की पड़ी हुई है। शुरू कहाँ से करना है यार, इतनी सारी, यार जाफर साहब इतने सारे सबूत हैं, मैं तो FIR पढ़ूं, चला मैं नहीं चेक पढ़ूं, FIR पढ़ूं, जो कंटेंट पढ़ूं, वॉइस नोट सुनाऊं, कहां से शुरू करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। 80-90 करोड़ रुपए के चेक्स मेरे पास सामने रखे हुए हैं, कुछ FIR रखी है मेरे सामने, तो कहां से शुरू करूं थोड़ा सा मुझे बताएं, तो फिर मैं वहां से अलर्ट हो जाऊं, मैं भी जरा अलर्ट हो जाऊं, ये तो आज कोई लंबा ही काम है। चले एक चेक है, एडमिन अगर दिखा सके तो वो चेक नंबर से स्टार्ट करते हैं। और जो एतराजात थे ना कि ये ताया मोहतरम अकेले हैं और इस फैमिली का आगे पीछे से कोई ताल्लुक नहीं है पूरे स्कीम से, चलिए जी एक चेक नंबर है, ये चेक है हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक लिमिटेड का, अगर एडमिन सुन रहे हैं, और ये चेक नंबर है जी हबीब मेट्रो का एक चेक है, अगर एडमिन अगर सुन रहे हैं तो मैं उनको आसानी के लिए, हबीब मेट्रो का एक चेक है और चेक नंबर है, नहीं ये अलाइट का है, इस पे बाद में आएंगे। जी ये वाला अच्छा ऑडियंस इस पे देखिए, मैं चेक नंबर पढ़ रहा हूँ, इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है और अफसोसनाक खबर यह है, अफसोसनाक कह रहा हूं, इसमें जो पे के साथ जो नाम लिखा हुआ है ये कौन सा नाम है, ये काबिल एहतराम नाम है? ये दुनिया में नहीं है इस वक्त, लेकिन जाहिर है कि बतौर जो विक्टिम्स के पास सबूत हैं और जो चीजें सामने आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। चेक नंबर है 10743630 6, इसकी डेट है 27 अप्रैल 2018, ये मंजूर हुसैन शाह साहब के नाम लिखा गया था, ये 7,25,000 रुपए हैं। और नीचे आपने देखा होगा कि नीचे जो देने वाले लोग हैं उनकी कंपनी का नाम, सिग्नेचर, सारी चीजें मौजूद हैं और स्टैंप भी लगी है जिसने ये चेक दिया है। रानसल फाइबर ग्लास इंजीनियरिंग है, इन्होंने ये चेक दिया है, लेकिन इसमें तस्वीर ना चलाएं मेरा ख्याल है, मंजूर, हाँ मंजूर हुसैन शाह है, ये रिश्ते में परी के क्या लगेंगे जी, परी के दादा हैं, और इंतहाई अफसोस से हमें ये खबर शेयर करनी पड़ रही है कि जो चेक बाउंस हुए हैं, जो चेक नहीं कैश हो सके,
वो उन चेकों में परी के ताया अकेले नहीं थे, उनके साहबजादे अकेले नहीं थे, बल्कि वालिद मोहतरम के नाम के ऊपर भी जो बैंक अकाउंट हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में खोला गया था उसमें, और ये इंडस्ट्री एरिया है बी आर इस्लामाबाद, 19 इंडस्ट्रियल एरिया बी आर इस्लामाबाद के अंदर, ये जो कह लीजिए कि ये चेक जमा कराया जाना था और मंजूर हुसैन शाह साहब के नाम से, 7,25,000 रुपए इसकी रकम है। अफसोस के साथ ये चेक भी क्या हुआ है, ये इसमें भी रकम नहीं निकली। ये दुनिया में नहीं है लेकिन इनके नाम के ऊपर चेक भी इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा, अब एडमिन वो जो आपने अलाइड बैंक का चेक दिखाया था वो जरा दिखा दीजिए जो यानी आप। यानी बिलाल बिलाल जी एक जी मिनट यार, एक मिनट एडमन, एक मिनट। जी, इसको यानी जरा एक्सप्लेन करते जाएगा। बिलाल भाई, जो आपके पदाइया से मुझे पता चला है कि जिस तरह आपने उस दिन बताया था कि एक नायला का अकाउंट यूज होता रहा है, जी नायला के जी नाम पे पैसे लिए जाते रहे हैं, फिर जैनुल आबेदीन का यानी जो बेटा है आसिम का, उसका जो क्राइम पार्टनर है उसका अकाउंट भी यूज होता रहा है, उसके नाम पे भी पैसे लिए जाते रहे हैं, इसी तरह आसिम अपने बाप के नाम पे भी पैसे लेता रहा है। हद है ऑडियंस, ऑडियंस चेक देखिए भी नहीं मेरी बात कहता है। सुने, ये दुनिया में बहुत कम होता है कि चोर का बेटा चोर, जरा का बेटा जरा हो सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो सकता है, वकील का बेटा वकील हो सकता है, साफी का बेटा साफी हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम होता है, खासतौर पे आजकल के चोर का बेटा चोर हो या चोर का बाप साथ चोर हो, या मैं तो ये कहूंगा अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए मंजूर हुसैन शाह साहब की, कि शायद उनके नाम पे उनका अकाउंट खुलवा के पैसे लिए जाते रहे हो जिसका बाबा जी को ना पता हो। जी ये ये तो भी आप मुमकिन देखिए है। तमाम मफरूजात हैं, ये तो तमाम मफरूजात हैं, ये 7,25,000 रुपए अपने बाप के नाम पे लिए इन्होंने। और बिलाल इसकी थोड़ी सी स्टोरी का मुझे भी पता है, ये गाड़ियों वाली फ्रॉड है जुनैरा, जो जी अच्छा आपने डिस्कस कर रही थी, जी ये जो आपने मुझे डॉक्यूमेंट शेयर किए थे ये उन्हीं में चेक था बिलाल, ये गाड़ियों के फ्रॉड में चेक आया हुआ है और बाप को इस्तेमाल करके ये पेमेंट ली गई है। तौबा अस्तगफार तौबा, अच्छा अल्लाह फिर एक पाक काम मंजूर करते शाह हैं, साहब आपकी मगफरत फरमाए जी। फिर एक काम करते हैं, एडमन अगर गाड़ियों के एडमन स्कैंडल की सुने, बात कर रहे हैं, अगर ये बात गाड़ियों के बिल्कुल स्कैंडल ठीक की है, बात कर ये रहे जो हैं, जगह आप बता रहे हैं इनके घर के बिल्कुल करीब ही है तो बिल्कुल ठीक है, मोस्ट वेलकम मुअज्जम साहब, आप जरूर जाइए वहां पे, वेरीफाई कीजिए, हमारे साथ शो में शिरकत करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जाफर साहब, कुछ मेरे पास वॉइस नोट आए हैं, अगर आप चाहें कि गाड़ियों के स्कैम के ऊपर बात कर रहे थे तो वो वॉइस नोट सुना दें, अगर आप चाहें तो, अगर आप कहें तो। देख लें दुनेरा, एडमिन दुनेरा से ज्यादा अगर तो आपके ये पास, जी, एडमिन मैं अगर पे कर आपके दूं, पास वो, हाँ मैं अच्छा आप जी मैं करेंगी, पे कर ठीक दूं, है जी, ठीक है जी, थोड़ा तो सा ये पस मैं मंजर भी सबसे, बता देना सुन। हाँ जुनैर, जुनैर बता दीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि पस मंजर जो है ना जाफरी साहब जरा अपने स्टाइल में बताएं, चले पहले सुनाएं जी वॉइस सुनाएं, फिर इसके ऊपर चले हम वॉइस सुनाए अपना फिर जी ऑडियंस तजजिया का सुन देते हैं। लिया जी ऑडियंस। एक मेरी बात होगी स्पीड से, तरीका कम चला लिया नहीं, गाड़ी यार से ना, मामला शुरू से जी करो और नॉर्मल स्पीड पे सुनाओ, कोई जल्दी नहीं है, अगर तुमने कोई कहीं बिल्कुल। काम जाना तुम कराओ, फिर फ्री होकर लाइव आ जाएंगे। ओहो क्या हो गया, मैंने कर दिया नॉर्मल, सुने अच्छा जी मेरी बात होगी है समीर से, मैंने 5 तरीक का कम से टाइम लिया है गाड़ी, पहले इंशाल्लाह मामला क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा यही काम रह गया और तो काम कोई नहीं है, ठीक है, तो मेरा यकीन है मुझे कि इंशाल्लाह कि इससे पहले पहले ये मामला क्लियर होगा और हमारी आसानी हो जाएगी, ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा, ये मैं दोबारा से प्ले करने लगी क्योंकि ये 3 वॉइस नोट्स हैं, वो कह रहा है हमारा यही काम है और तो कोई काम रह नहीं गया, जरा सुनिए दोबारा। तकरीबन मेरी बात हो गई है समीर से, मैंने 5 तारीख तक उनसे टाइम लिया है गाड़ियों से, पहले इंशाल्लाह मामला क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा यही काम रह गया और तो काम कोई नहीं है, ठीक है, तो मेरा यकीन है मुझे कि इंशाल्लाह कि इससे पहले पहले ये मामला क्लियर होगा और हमारी आसानी हो जाएगी। कि आपने सुन लिया, अब मैं इसके बाद एक दूसरा प्ले मिनट करूं जी, या एक पहले आप मिनट, इसको एक मिनट एक्सप्लेन करेंगे? जरा, एक एक मिनट, मिनट, जरा एक मिनट। हाँ ये जो वॉइस क्लिप है ये शो करता है कोई अतीक साहब हैं,
अब ये बिलाल को पता हो या जुनैरा को पता हो वो कौन है, अतीक साहब को इन्होंने दाना डाला हुआ है गाड़ियों का कि हम गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि अतीक साहब के पैसे फंस चुके हैं, गाड़ियां आ नहीं रही, अतीक साहब ने डंडा दे दिया हुआ है और अब ये उस डंडे को आगे पीछे करने के चक्कर में है कि मुझे थोड़ा रिलीफ मिले और उसको चक्कर दे रहे हैं। ये दूसरा सुनाए फिर मजीद आगे स्टोरी में पहुंचते हैं। अब दूसरा सुनिएगा। मैं क्या हालत जी थी, मैं रात को गया हुआ था और अभी जितने भी कैरियर है ना पूरे पाकिस्तान में वो रुके हुए हैं। वो कहते हैं ना ताउट में सानी, फिलहाल स्टॉप है, कहीं भी कैरियर वर्क नहीं कर रहे, ना कोई ट्रेलर चल रहे हैं ना कोई कैरियर चल रहे हैं। तो इतवार को ये निकाल रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, और सोमवार को ये निकलेंगे, यानी सोमवार की रात को ये पहुंच रहे हैं। तो ट्यूसडे को आप टाइम दें उनको, दिखा देंगे उनको ट्यूसडे को इंशाल्लाह, लेकिन डिलीवरी देते हुए एक आध दिन उसमें मजीद लगेंगे, लेकिन उसको ये तसल्ली हो जाएगी ये चीज़ मेरी खड़ी है, क्योंकि तो उसको तैयारी कराने में एक दिन का टाइम लगता है, ये जहन में रखिएगा। वैसे तो हम 2 दिन का टाइम लेते हैं, लेकिन चले आपका चूंकि एमरजेंसी है तो 1 दिन का टाइम है। मीन्स क्या, मंगलवार दिन उसको दिखाएंगे, सोमवार को ये रात को लेट आवर्स में पहुंचेगी और मंगल को इंशाल्लाह आप उसे चेक करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा ही हाफिज। उस बेचारे का तो वो तो लुट गया फुट गया। दोबारा से प्ले करना है या के एक्सप्लेन करेंगे? कर दे एक दफा, कर दे एक दफा, कर। दोबारा सुनो नाजरीन। फैमिली के टीम में क्या हालत है? ठीक है जी। ठीक है, मैं रात को गया हुआ था और अभी जितने भी कैरियर है ना पूरे पाकिस्तान में वो रुके हुए हैं। वो कहते हैं ना ताउट में सारी, फिलहाल स्टॉप है, कहीं भी कैरियर वर्क नहीं कर रहे, ना कोई ट्रेलर चल रहे हैं, ना रोके कोई रोके कैरियर। रोके 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 रोके, बिलाल बिलाल, हम ना हमारे पास हर तरह के केस आते हैं, जो पक्के फ्रॉडियों के केस आते हैं ना उसमें जो स्टोरी होती है ना वो होती है सुबह शाम की। लोग आके हमें कहते हैं जी हमें इसने इतने पैसे देने थे, हम सुबह फोन करते हैं, कहते हैं शाम को 6 बजे आके मेरी पेमेंट फंस गई है, शाम को 6 बजे पेमेंट मेरे घर आनी है, 7 बजे मैं आपको पहुंचा दूंगा। 7 बजते हैं, वो कहता है कि जी 6 बजे बंदा नहीं आ सका, सुबह उसने 9 बजे आना है, 10 बजे पेमेंट आपके पास होगी। पक्का फ्राडिया सुबह शाम 1 दिन 2 दिन का टाइम दे के टालता है। अब ये अब गोली नेक्स्ट गोली है अवाम के जनाब, तमाम पूरे पाकिस्तान के कैरियर ही रुक गए हैं। पूरे पाकिस्तान के कैरियर रात को खड़े थे कि लोग आए और उन कैरियर के टायर उतार के ले गए और कोई भी नहीं चल रहा। आगे सुनाए जी। आप तीसरा वाला सुनो या वही वाला नहीं, नहीं आगे इसी से ले? इसी को, इसी को मुकम्मल करें। जी, इतवार को ये निकाल रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, और सोमवार को ये निकलेंगे, यानी सोमवार की रात को ये पहुंच रहे हैं। तो ट्यूसडे को आप टाइम दें उनको, दिखा देंगे उनको ट्यूसडे को इंशाल्लाह, लेकिन डिलीवरी देते हुए एक आध दिन उसमें मजीद लगेंगे, लेकिन उसको ये तसल्ली हो जाएगी ये चीज मेरी खड़ी है, क्योंकि उसको तैयारी कराने में 1 दिन का टाइम लगता है, ये जेन में रखिएगा। वैसे तो 2 दिन का टाइम लेते हैं, लेकिन चले आपका चूंकि एमरजेंसी है तो 1 दिन का टाइम है। जी ये बिलाल, ये पता क्या है, ये वो टेल वाला काम है। ये जिस बंदे का नाम ले रहा है ना, अतीक साहब या शायद रफीक साहब, ये बेचारे वो अपने दोस्तों को भी फंसवा चुके हुए हैं। यहां तक जो ऑडियंस मुझे समझ आई है, आप भी सुनिएगा इसको, आपको समझ आएगी। वो कह रहे हैं कि जनाब तमाम कैरियर पाकिस्तान के बंद हो गए हैं, उनके टायर को उतार के ले गया है, टैंकियों में कोई मिट्टी डाल गया, तेल की जगह पे चल नहीं रहे। इतवार को परमिशन, इतवार छुट्टी के दिन परमिशन मिल रही है, छुट्टी के दिन पोर्ट छुट्टी के खुला हुआ है। दिन परमिशन मिल रही है और सोमवार को वो कैरियर चल पड़ेगा, और उनको कह दें, उनको ट्यूसडे का टाइम दे दें आगे उनको, यानी कि जिसके यानी पैसे बिचारे के, कि हाँ जा रहे के। जिस बेचारे के पैसे हैं। आगे सुनाएं जी, मुकम्मल करें। जी मींस क्या, मंगलवार दिन उसको दिखाएंगे, सोमवार को ये रात को लेट आवर्स में पहुंचेगी, और मंगल को इंशाल्लाह आप उसे चेक करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। पीछे घर की खवातीन की आवाजें आ रही हैं, वो अच्छा खुद आगे नहीं ए प्रॉम्प्ट कर नाल रहे। जरूर कहता सी, ये साथ जरूर कहता था, अपना ख्याल रखी। और खुदकुशी ना कर ले कोई, मतलब कहने का मतलब ये कि जितना तंग किया जा रहा है अच्छा जी खुदकुशी ना कर ले कोई। तीसरा अच्छा सुनाएं जी, जी। तीसरा
तीसरा सुनाए, फिर उसके कितना? बाद और बहुत कुछ है, मैंने एफआईआर पढ़नी है, अगर जाफरी साहब परमिशन देंगे मुझे, मैं एफआईआर जी अभी पढ़ूंगा नहीं, आज, अब मैं तीसरा पढ़ूंगा, मैं पहले पढ़ूंगा मैं पूरा प्ले करूंगी फिर इसको एक्सप्लेन जी करेंगे। जी बंदे को मैंने सुबह 8 बजे कॉल की थी, ठीक है, इसी चेक के अंदर आप लोग के पैसे हैं, इसी चेक के अंदर सारा कुछ हुआ। मैंने सुबह 8 बजे, और मैं कल सभा का जिक्र भी किया, वो जानता है कल सभा को किसी हवाले से, तो मैंने उसे कहा कि यार ये सिचुएशन है, तो वो बहुत परेशान है, मैं शायद थोड़ा लेट उठूंगा, मुझे नहीं इस चीज का पता, लेकिन मैंने किसी की ड्यूटी लगाई है कि जैसे ही बैंक के अंदर अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर हो फौरी तौर पर मुझे वो मिल जाएंगे। अभी वो जाके मैं बैंक में गया तो बैंक में अभी तक चेक वापस नहीं आया था, तो मैंने फिर उससे थोड़ा सा गर्म होके बोला, मैंने कहा यार ये हद है कि यार एक चेक के अंदर इतना इतना, मैंने इसलिए कहा था कि मुझे लाजमी ये पैसे, उन्होंने कहा हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो गए हैं, मैंने कहा उसकी को प्रूफ भेजो, तो ये आपके सामने प्रूफ आ गया कि उसके अकाउंट से पैसे निकल गए, अभी निकले हैं 12 बज के कुछ मिनटों में। अब वो जो सिचुएशन है लेने की, पैसे बैंक वाले ये कहते हैं कि 1 दिन का फर्क डलता है, कभी भी ऐसा आउट ऑफ सिटी हो, जब उसके अकाउंट से निकल गए हैं तो नेक्स्ट डे इवनिंग में आपके अकाउंट में आते हैं, तो परसों आप इसे सुबह यूज कर सकते हैं, आप तो रसीद उसने भेज दिया दीप भाई, मैं उसे कितना के लड़ सकता हूँ उस बंदे के साथ। मेरा ख्याल है कि आने वाला वक्त हम वही करेंगे, उसके साथ खराब करेंगे, और इसके अलावा कोई बात नहीं। तो उम्मीद है आप इस सिचुएशन को समझेंगे, मुझे पता है कि आपके लिए वो जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हमारा तो जरिया यही है, और मेरा आप यकीन करें, मैं आगे डॉक्टर साहब को कह रहा था इसमें पैसे कुछ, डॉक्टर साहब क्या है कुछ किसी को लेकिन मैं उनसे अभी कुछ देर पहले भी ये कह रहा था कि मुझे उसमें से कुछ पैसे मुझे भी चाहिए, जो आपके पैसे हैं उसमें से मुझे आपसे उधार चाहिए होंगे, किसी इन्वेस्टर को ना दीजिएगा, मैं ऑपरेशन के लिए जमा करवानी है, हाय 40 लाख रुपया वहां पे जमा करवाना है, कल की डेट थी वो भी गुजर गई है। अब उसमें तो डॉक्टर नहीं देखेगा ना कि इसकी सिचुएशन क्या है ये क्या नहीं है, वो तो ये कहेगा कि जी पैसे दें ठीक है, नहीं है तो पड़ा हुआ मरीज आपका, हम इससे क्या करते हैं, तो हम इतना बड़ा काम करने वाले कभी कभी छोटी छोटी चीजों से स्टक हो जाते हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। 40 लाख रुपया कौन से ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने मांगा है? इन्होंने ना पता नहीं या अल्लाह यार, या अल्लाह, मुझे आगे जाने दें, बड़े सबूत हैं, मैंने कुछ चीजें पेश करनी है ऑडियंस जाफरी ऑडियंस 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 जुनैरा ने और बिलाल यार, मुझे ने आगे दो चीजें बढ़ने यहाँ दें पे, एक मिनट यार, सिर्फ मुझे जाफरी ये लाजम ये तो एक्सप्लेन करने दे। जुनैरा ने और बिलाल ने आपको दो चीजें तीन चीजें बोली थी कि ये जो फ्रॉड करता था, नंबर एक करता था, ये मेडिसिन के नाम पे जो इसका वी केयर के नाम से था, जिस किसी ने ब्रांचेज बनाई और लोगों से ठगा और कंटेनर दवाइयों के मंगवाए और बायो 21 खरीदी। दूसरा इन्होंने आपको कहा था ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पे कि हम गाड़ियां इम्पोर्ट करते हैं। ये जो इन्होंने तीन वॉइस मैसेज चलाए हैं ये सुन लीजिएगा, इनकी एक बात की तो तस्दीक हो गई गाड़ियों वाले की, लेकिन बिलाल मानू मैं तब अगर आप वुई केयर का भी कोई डॉक्यूमेंट्री सबूत दें, कोई सरकारी सबूत दें सर कि अभी वुई लें, केयर अभी एग्जिस्ट लें करती। सर, अभी ले लें, अभी ले लें सर, क्या बात कर रहे हैं आप अभी। मैं लेकिन थोड़ा सा वक्त दे दें मुझे, थोड़ा सा वक्त दे दें, जो जी ले पाइपलाइन लो, के अंदर ठीक है, मैं आपकी ओके बात पे वी केयर का एफबीआर का डॉक्यूमेंट्स पेश करूंगा, एफबीआर का, और मैं जितने देखने लेकिन वाले हैं उनसे वो कहूंगा, बिलाल दिखाऊंगा बिलाल जी वो जी जी आसिम के या उसके बेटे के नाम पे या बाप के नाम पे होना चाहिए, सर 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 हाजिर सर हाजिर, खादिम हाजिर, मैं बस एफबीआर का ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्स पेश करने जा रहा हूं आपके सामने ऑडियंस, आप उस डॉक्यूमेंट्स को एफबीआर से क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक अलाइड बैंक का चेक है एडमिन, अगर आप दिखा सकें तो पहले मैं जरा वो रख दूं तफसीलात, फिर आपके सामने जो डिमांड की है जाफरी साहब ने, ख्वाहिश पूरी की है, मैं पूरी करता हूँ ख्वाहिश जी। अच्छा जी, ये देखिए ये अलाइड बैंक है, ऑडियंस चेक नंबर मैं पढ़ रहा हूं आपको, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, 2440901775, और ये 29/6/2021 को जारी हुआ, और ये कैश पेमेंट के तौर पर था, और ये चेक किसको किसका चेक है जी, ये जरा देख होए लीजिएगा, होए 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 होए, जियो ये बिलाल, जरा देख। अच्छा जी, 12,30,000 रुपए जबरदस्त जबरदस्त, ये जैनुल अबिदीन का चेक है, जी, नीचे पढ़ कमाल लीजिए, कमाल सैयद अली कमाल, जैनुल आबदीन, ठीक ओए है जी, होए 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 होए, 12,30,000 रुपए का।
ले ऑडियंस, बिलाल और जुनैरा ने एक और बात सच्ची साबित कर दी कि जैन जो है वो अपने बाप का पार्टनर था और वो भी चेक जारी करता था झूठे लोगों को तसलियां देने के लिए। ओए होए होए, यानी परी अच्छा के चले दादा चले। का चेक भी हमने दिखा दिया, और हमने माशाल्लाह से परी के साथ जिसके साथ जबरदस्ती शादी कर रहे थे उसका भी दिखा दिया, अच्छा चले चल सर्टिफाइड छोड़ उसके छोड़, हमने साबित कर दिए। मैं अभी एफबीआर के और डॉक्यूमेंट से पहले, मेरे पास कुछ एफआईआर हैं, अगर जाफरी साहब वो कहें तो रहने मैं दे, चाहता हूं कि आज, नहीं एक वो एफआईआर, रहने दे, एक एफआईआर, वो रहने नहीं दे नहीं एक एफआईआर, एक एफआईआर, एक एफआईआर जाफरी यार, वो साहब, एक फरार हो एफआईआर। जाएंगे, मुल्क से बाहर फरार हो जाएंगे, लोगों का वो करोड़ वैसे भी रुपया घर है तो यार। भागने की तैयारी में है। सर छोड़े ना, मैं आपको एक एफआईआर पढ़ने दें, बाकी छोड़ दें, मैं नहीं पढ़ रहा। चलें एक, सिर्फ एक पढ़िए। चलें, मैं एडमिन, अगर आप बराए करम एक एफआईआर जो मैंने आपको भेजी लेकिन थी लेकिन वो जरा, बिलाल साहब वो FIR जो है वो आसम की या उसके बेटे की या भाई की या बाप की होनी चाहिए, इधर उधर की सर मंजूर हाजिर, नहीं होगी। लेकिन सर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे किन हैं, के मैं साथ कर, पढ़ूंगा और दिखा रहा हूं, मैं स्क्रीन पर पढ़ूंगा और चले दिखा रहा हूं आपको। जाफरी साहब आप ओके जी, आ हाँ जाओ। कट रहे हैं, स्क्रीन के सामने आए जाफरी साहब। हाँ एडमिन, अगर एफआईआर दिखा सके एडमिन, अगर ये जी, ठीक है जी, ये इसलिए है। अच्छा, मैं इसमें बता दूं, कुछ चीजों को हमने छुपाना था, जाहिर है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको छुपाना जरूरी होता है। ब्लैकमेल ऑडियंस, के लिए उन्होंने सेंटर मैं चौल बुला लिया। आपको पढ़ के बताता हूं, ये मुकदमा 489F के तहत दर्ज हुआ है, और इस मुकदमे का जो मतन है वो मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अगर जूम आउट करके देखेंगे तो एन मुमकिन है कि आपको भी ये सारी सिचुएशन पढ़ने में आ जाए, तो आप अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मेरा ख्याल है कि आप पढ़ सकेंगे। मैं पढ़ता हूं जनाब। जनाब एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद, जनाब गुजारिश है कि मुसम्मी, मैं नाम नहीं पढ़ रहा, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं उनके जो मुदई हैं उनके घर का एड्रेस भी नहीं पढ़ रहा, सिर्फ ये पढ़ देता हूं, नेशनल पुलिस फाउंडेशन 0.9, ये इस्लामाबाद ने डॉक्टर आसिम अली काजमी वल्द सैयद मंजूर हुसैन शाह और उसके बेटे सैयद अली जैनुल आबदीन वल्द आसिम अली के साथ अद्वियात के कारोबार के लिए बतौर अमानत रकम दी थी। कुछ अरसे दोनों बाप बेटा तयशुदा असूलों के मुताबिक काम करते रहे, लेकिन अब उन्होंने अपना नेटवर्क बहुत वसीع कर लिया है और मेरे समेत जिन लोगों से भी रकम ली हुई है, ना तो उनको रकम वापस करते हैं और ना ही तय करदा मुनाफा अदा करते हैं। मैं एफआईआर का मतन पढ़ रहा हूं ऑडियंस। सैयद अरे जैनुल आबदीन वल्द आसिम ने मुझे एक चेक, चेक नंबर है जी 2440901733, मुबलिक 23,75,000 रुपये मालियत का दिया था, 23,75,000 रुपये मालियत का दिया था, वो भी कैश नहीं हो सका। अब मैंने अपनी रकम मुबलिक 43,87,05,000 रुपये का मुतालबा किया, तो दोनों बाप बेटे ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी और कहा कि पैसे अब भूल जाओ। ठीक है, डॉक्टर आसिम अली काजमी ने अपनी शॉप पर भी मुसल्ला अफराद 24 घंटे बिठाए हुए हैं। जनाबे आला, गुजारिश है कि मेरे पास तमाम तहरीरी मुआहदे और चेक मौजूद हैं, लेकिन मुझे मेरा हक देने के बजाय दोनों बाप बेटा मेरी जान लेना चाहते हैं, इसलिए ना सिर्फ मेरी रकम बरामद करवाई जाए बल्कि मुझे इनसे तहफुज भी फराहम किया जाए। शुक्रिया अल अर्ज, दस्तखत बस अंग्रेजी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक जी, है, मैं इतना नाम नहीं पढ़ रहा, इतना ठीक काफी है। है। ओए अच्छा, होए उनका होए, मोबाइल नंबर भी, सारी चीजें हैं, और इसके बाद जो एफआईआर है ये
489F के तहत दर्ज हुई। बिलाल बिलाल, इसमें एक चीज मैं बता दें जरा, एफआईआर का जी नंबर क्या है? सर, एफआईआर का नंबर मैं आपको बता देता हूं कि जी 351/2021 अच्छा, 351/21, थाना कौन सा है? इक्कीस लोई भीर इस्लामाबाद। ओए अच्छा, यानी ऑडियंस, ठीक बिलाल साहब जो ये जिन्होंने ये एफआईआर पढ़ी है, ये एक सरकारी दस्तावेज है जो हर किसी को ऑन डिमांड अवेलेबल है। कोई भी शख्स जाए थाना लोई लोई भेर जी, लोई भेर भेर, थाना लोई भेर। इस्लामाबाद में, ये थाना है लोई भेर, वहां पे जाएं, वहां पे 351/21, जी जी 351/21 एफआईआर का नंबर है। ये जो एफआईआर है ये 489F, जो कि चेक डिसऑनर होने पे, जब कोई जालसाजी करके चेक दिया जाता है, तो ये एफआईआर इस ऑफेंस के तहत दर्ज होती है, और ये नाकाबिले जमानत जुर्म है, ये 7 जुलाई 2021 ये दर्ज हुई है, अच्छा 7 जुलाई 2021। ठीक है जी, मैं बता देता हूं, एफआईआर नंबर है 351/2021, 7 जुलाई 2021 को यह एफआईआर रजिस्टर हुई है। बैंक इसमें जो रकम का तनाजा है वो बैंक अलफला है, ये जो गालिबन डीएचए और पूरा चीजें लिखी हुई हैं। बाकी मैं आपको दस्तखत मोहम्मद हनीफ हैं एएसआई, जिन्होंने इस एफआईआर के ऊपर दस्तखत किए हैं और ये पूरी कार्रवाई हुई है। मजे की बात मैं आपको बता दूं जाफरी साहब, हुआ क्या है, ये वो एफआईआर है, ये वो पहली एफआईआर है, इसके बाद मुझे तो नींद नहीं आ रही इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देखकर नहीं पढ़कर। नहीं एक ही पढ़नी है। और अच्छा, चलिए इसका मैं एक ही स्टेटस पढ़ क्या है बिलाल? इसका स्टेटस क्या है? ये बाप बेटा, इसमें क्या स्टेटस है मैं उनका? बता देता हूं गिरफ्तार हुए, इसमें। जमानत पे नहीं, हैं, इश्तियारी हैं? देखिए ये इस्लामाबाद में थे, इस्लामाबाद में ये कारोबार के झांसा देकर लोगों से जो भी रकम को बटोरना सारी चीजें कर रहे थे। जब तक ये एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बच्चे भी वहां स्कूलिंग कर रहे थे, ये कारोबार कर रहे थे, लोगों को पैसे देने से इनकारी थे। लेकिन जैसे ही जिस लम्हे ही ये एफआईआर हुई, तो पूरी फैमिली को वहां से फरार होना पड़ा, अहलिया वालिद बच्चे जो कुछ भी मामला थे कारोबार थे, ये अचानक से फिर इन्होंने सब वहां से वाइंड अप किया है और वहां से निकले हैं। इस अच्छा, एफआईआर में मफलूर मेरी हैं? इतला के जी जी अच्छा जी जी अच्छा अच्छा ऑडियंस, इश्तियारी ये होते हैं। कुछ लोगों को बड़ा शौक है इश्तियारी इश्तियारी का नारा लगाने का। ये इश्तियारी होते हैं जिनके खिलाफ पर्चे दर्ज होते हैं। और ये बाप बेटा दोनों इश्तियारी हैं इसमें बिलाल? जी जी जो मुदई है उसके ओ मुताबिक ये आज तक इश्तिहारी हैं और ये सिर्फ अभी तक की रिपोर्ट है। एक, चूंकि जाफरी साहब मुझे परमिशन नहीं दे रहे बाकी एफआईआर पढ़ने की, तो मैं नहीं नहीं सिर्फ अभी एक नहीं, एफआईआर पढ़ी है मैंने आपके सामने, बाकी अभी चीजें नहीं। हैं। और जाफरी साहब आप कुछ कहेंगे तो फिर मैं आपके सामने एफबीआर का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पढ़ूंगा। वो दिखाने से पहले एक देखें, मिनट, ये जो एफआईआर में रकम का जिक्र है वो 40 करोड़ समथिंग पड़ा है बिलाल ने। बिलाल, 40 करोड़ का 4 करोड़? अब वो मैंने आगे पीछे कर दी है एफआईआर में, मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा उसमें। चले चले, वो उसमें रिपीट में जाके देख लीजिएगा। लेकिन ये जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है 489F, जिन लोगों का तो पाला पड़ा है इस मामले से, चेक लेन ये देन है से उनको तो पता होगा, 4 करोड़ 38 लाख 75 हजार, चार चार करोड़ करोड़ अड़तीस लाख 75 हजार रुपए। ऑडियंस, मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि ये डील ही करोड़ों में करते हैं। इनकी शक्लें देखो यार, गुगु घोड़े, और लोग इनको करोड़ों दे रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह जाफरी साहब, मैं ये सोच रही हूँ, इन्होंने जो हमारी फैमिलीज के ऊपर कीचड़ उछाला, जो इन्होंने 150 यूट्यूबर्स को लॉन्च किया, जिस तरह से ये जहीर की फैमिली को और हमें उनका मीडिया सेल बताते रहे, जिस तरह से ये हमारे बारे में गैंग थ्योरी लोगों को बता के मिसगाइड करते रहे, तो मैं सोचती थी कि इनके दिमागों में इतना डेटा आता कहाँ से, ये इतनी बड़ी कहानी बनाते कैसे हैं। दरअसल जो जैसा होता है ना, वो वैसा ही आगे प्लान करता है। असल में ये खुद गैंग थे, खुद इश्तिहारी थे, खुद फ्रॉडिये थे, इसीलिए ये सबको कहते थे कि इनको ये सब कुछ बोलो। हालांकि हम तो ये केस रिपोर्ट कर रहे थे, और बिलाल साहब, अगर वो लड़की भागी ना होती और अगवा हुई होती, तो बल्कि हमें ज्यादा मसाला मिलता लोगों को बताने के लिए, हम तो ज्यादा अच्छे लाइव सेशंस करते। लेकिन हमने तो हमेशा सच का साथ दिया, हमने तो कभी इस तरह किया ही नहीं, जो हकीकत है वो लोगों के सामने रख दी। और
बिलाल, अच्छा ऑडियंस, अब जो इस एफआईआर का खुलासा है वो ये है कि ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत एफआईआर दर्ज है इस्लामाबाद के थाना लोई भेर में। एफआईआर का नंबर है 351/21, 2021 में ये जुलाई में एफआईआर दर्ज हुई है। और इस एफआईआर के मुताबिक जो बिलाल अभी बोल रहा है कि दोनों बाप बेटा आसिम और जैनुल आबिदीन, हैंडसम पांडा और गुगू कोड़ा, ये दोनों मफरूर हैं। इनकी तस्वीरें भी दिखाओ ना यार, मफरूरों की तस्वीरें दिखाते हैं लोगों को, दिखाओ भाई, दिखाओ एडमिन। दोनों बाप बेटे को दिखाओ लोगों को, ऐसे जुल्म ना करो लोगों के साथ। इतने हसीन चेहरे छुपा के रखते हो आप इनके, ऐसे ना किया करो। एडमिन और कहाँ चले ऑडियंस, गए? ऑडियंस इनको सदका जारिया समझ के शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाएं। ये अब इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं, डॉक्टर साहब ने हाथ उठा लिया है, बाकी डोनर सारे नाराज हैं, अंदर फूट पड़ चुकी है, यूट्यूबर साथ छोड़ गए हैं। अब जो इनके पास पैसे हैं डॉक्टर को वापस करने पड़ रहे हैं, कुछ पैसे अब इन्होंने इन लोगों को वापस करने हैं जो कि कराची पहुंचने वाले हैं। तो अब ये बेरोजगार हैं, तो आप सब अलर्ट रहिएगा, और जाल साजों नकालों से जिस तरह से नेहरा ने अगले दिन लगाया हुआ था थंबनेल, होशियार रहिएगा। बिलाल यार, मुझे लोगों के ऊपर हैरत आती है कि यार वो तो इनकी शक्लें देख, दोनों बाप बेटों की, इवन के दादा भी बेचारा बुजुर्ग आदमी है, फोत हो गए, उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। और इनको लोग 4-4 करोड़, कितने कितने करोड़ पकड़ा रहे हैं यार, हद हो गई। ये जी देखे जी, अगली भी दिखाओ जी। ये हम हैंडसम लोग पांडा पूरे दिखाओ। पाकिस्तान को लूट के खा लिया। नाजरीन, ये है वो माफिया जिसने पाकिस्तान की गली गली, चुराहे चुराहे, नगर नगर, कूचे कूचे में हाल साफ किए हैं। और देखें ये हरे रंग के सोफों पे कितने मुतमईन होके बैठे। ओ माय गुडनेस, ये है हमारा हैंडसम पांडा, जिसने कितना चक्स नूर है दिखाई इसके थी, चेहरे पे। माशाल्लाह। ये भी देखें, वो पीछे में हैंडसम पांडा, उनके नूरानी, बारे में सब कह रहे थे ना कि ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये इन्होंने इंटरनेट से डाउनलोड किया स्वीट डिश, अपने मुंह पे थप्पड़ मारो ये देख के तस्वीर। नहीं, अब वो थाने लोई भेर जाएगा, मैं उसको जानता हूं, मेरा वो दोस्त है, मेरा छोटा भाई है। ओ माय गॉड, ओ यस, मिस्टर डेनियल, ये मिस्टर डेनियल है। ये मिस्टर डेनियल डिसूजा। बिलाल ये तो ना पुरानी फिल्में देखे ना, मिथन की, और वो जो प्रेम पुराने दौर की चोपड़ा, थी उसमें प्रेम प्रेम चोपड़ा, चोपड़ा, इसी तरह के विलन होते हैं पूरी फिल्म में ना, वो बड़े मस्कीन और मासूम बन के यतीम खाना चला रहे होते हैं, एंड पे पता चलता है कि ये असल में डॉन ये था, ये तो वो निकले हैं। अच्छा बिलाल, मेरा चैलेंज पूरा करो यार, वी केयर का सबूत दो इस फैमिली के नाम का। सुनहरा दे दूं सबूत? दें जरूर दें, क्यों ना दें, इतने सबूत आप इकट्ठे करते हो तो क्यों नहीं दिखाना। सारा सारा दिन खाक छाननी, सारा सारा दिन थानों में भरना, बिलाल, बिलाल ऑडियंस मैं, बताए, ऑडियंस बताए कमेंट्स में, तो मैं आपको वी केयर का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, बल्कि एफबीआर का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पेश कर देता हूँ। ऑडियंस बताइए, एफबीआर का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, चलें जी कर देते हैं जी। एडमिन, अगर एफबीआर की एक रसीद है जो कि भेजी थी मैंने, वो अगर आपके पास है, जिसमें तस्वीर नहीं है, तस्वीर भी चला दीजिएगा, लेकिन एफबीआर की एक रसीद है, डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन के नाम। जी, अच्छा एंटीएन। इसको जी ओ माय एनटीएन, जी, गॉड, एनटीएन। ऑडियंस इसकी पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप, चलें हमें बाद में देखिएगा, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप जब ये प्रोग्राम खत्म हो लाइव सेशन, तो उसके बाद फिर आप इसको खुद भी पढ़ सकें कि जो हमने पढ़ा है बाकी ठीक है या नहीं है। अच्छा जी, ये मैं पढूं फेडरल इसको, बोर्ड, मैं पढूं, पढ़े अगर आपको नजर आ पढ़े रहा है तो पढ़िए जी। जाफरी सर, मुझे नजर आ रहा है, मुझे मुझे पढ़ने दें। उसकी वजह यह है ना कि ये क्योंकि एक सरकारी डॉक्यूमेंट है और इसको कहते हैं एनटीएन, नेशनल टैक्स नंबर। जी, इसके बाद आप टैक्स पेयर बनते हैं, इसके बाद आपका जो है वो एज अ फाइलर आप कंसीडर होते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और ये मजे की बात ये है कि ये 1 मिनट में आप इसका नंबर डाल लें, ये ऑनलाइन गूगल पे वेरीफाई हो जाता है एफबीआर की वेबसाइट पे।
इसका जनाब है जी, ये बना है 14/7/2021 को 11:07 पे सुबह ये हासिल किया गया। और ये है जी, इस पे आईडी कार्ड नंबर लिखा हुआ है 3406030111091। और जी ये है एड्रेस है वुई केयर होमियो क्लिनिक, ओए होए अच्छा, एंड स्टोर शॉप नंबर 128 श्याम मार्केट ऑपोजिट मार्गला कॉलेज गुलरेज फेज 2 रावलपिंडी। और रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर्ड ऑन 26 सितंबर 2019, टैक्स ऑफिस रावलपिंडी, इनकम टैक्स। और ये है जी सैयद अली जैनुल आबेदीन, ओ माय गॉड, बिलाल जबरदस्त ले ऑडियंस ऑडियंस, ये बिलाल ने वी केयर के जनाब सीईओ का सबूत यहाँ पे दे दिया है कि अपने बाप के साथ जो मालक था वी केयर का, जैनुल आबेदीन, जिसका एनटीएन यूज हुआ, जिसका एनटीएन लोगों को दिखा के जो है वो पैसे हथियाए के। उफ, बिलाल बिलाल सर, कैप्टन बिलाल जनाब, सलामी कबूल करे, कमाल यार। आपको याद है नाजरीन, आज से सर बहुत समय रॉजर, पहले मैंने आपको कहा सर था सर कि रॉजर, बिलाल साहब सर को रॉजर, हल्के में नहीं सर लेना, रॉजर, इनका ताल्लुक कहीं और से है। मैंने आपको बताया था ये आपको एक सब जर्नलिस्ट नजर आते हैं, लेकिन ये कुछ और भी हैं, ये कुछ अच्छा, सामने ये अंदर का आएंगे। डॉक्यूमेंट है, ये अंदर का डॉक्यूमेंट है। और ये मैं आपको इस डॉक्यूमेंट की असलियत बता दूं, ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं हो सकता। ये अब जहां पे ये समझे कि डॉक्यूमेंट्स का फ्रॉम है, ये खत्म नहीं है। और ये कोई बंदा भी FBR की जाए, इसका स्क्रीनशॉट ऊपर इसका नंबर लिखा हुआ था, वो जाके नंबर मारे, ये पूरी इसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, आईडी कार्ड नंबर के साथ और नाम के साथ, सैयद अली जैनुल आबेदीन। यानी कि जो वी केयर का डॉक्यूमेंट्स में जो मालिक शो किया गया था वो हैंडसम पांडे को किया गया था। अब इसमें देखें ऑडियंस, चेन देखें इसमें, कि अपने बूढ़े बाप को जिनकी 2020 में डेथ हो चुकी है, मंजूर हुसैन शाह साहब, उनके अल्लाह पाक मगफरत फरमाए, नहीं छोड़ा गया, उनके नाम पे भी लोगों से पेमेंट ली गई। अपने बेटे को जो इतना मासूम है, शक्ल से मासूम लगता है बेचारा, हैंडसम पाडा, ठीक है, उसको नहीं छोड़ा गया। फिर उसमें एक चित्राल की लड़की थी नायला, उसको नहीं छोड़ा गया, नायला के नाम पे चेक भी तकसीम करवाए गए और नायला के नाम पे पेमेंट्स भी ली गई। और जिसके तमाम इन चीजों के हमने सबूत आपको बिलाल और नरा ने कलेक्ट करके दिखा दिए हैं, चेक्स दिखा दिए हैं। अब ये एनटीएन नंबर आ गया जिससे ये वाजे हो गया कि वी केयर इनका था, वी केयर के नाम पे जितना फ्रॉड हुआ, पूरे पाकिस्तान और दुनिया से जितने लोग सुन रहे हैं हमें, वी केयर के नाम पे जितना फ्रॉड हुआ, ये दोबारा दिखाओ यार एनटीएन नंबर। एनटीएन नंबर जरा दोबारा बताओ, और कुछ लोग हाँ जिसने भी वेरीफाई करना है जहां से मर्जी जाके करवा लें। ये एनटीएन नंबर है जी, वी केयर के नाम पे जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, पिंडी, इस्लामाबाद, चकवा, लैपटाबाद में, वो इसको वेरीफाई करे, इनकी ओनरशिप आपको वेरीफाई हो जाएगी, उसके बाद वो जाके अपनी रिकवरी इनसे ले सकता है। और ऑडियंस आपको एक बात बोले, इसमें से चंक बना के अपने जितने आपके दोस्त हैं आउट ऑफ कंट्री या जितने ग्रुप, आजकल आजकल तो मेरे मोबाइल पे 10-12 ऐसे ग्रुप हैं जिनमें 5-5, 6-6 सौ, 7-7 सौ बंदा है, तो प्लीज ये इंफॉर्मेशन सबको शेयर करें स्क्रीनशॉट लेके कि ये फ्रॉडिये हैं और इनसे महफूज रहें, और अपने दोस्तों को और अपने जो आपके रिश्तेदार अजीज हैं उनको भी महफूज रहें। ये हमने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इसको ब्लर कर दिया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पर्सनली मैं नहीं दिखाना चाह रही थी, लेकिन हमारी मजबूरी है कि ये बहुत बड़े फ्रॉडी हैं, इसलिए हमने इसको ब्लर कर दिया है। बस ठीक है, हाँ हटा जी, दें। ये हटा दें जी, हटा दें। अच्छा, एक और चीज है जो मुझे पता चली है, मैं आपको बताऊं कि कुछ विक्टिम हैं जो कराची पहुंचे मेरी इतला के मुताबिक, जी और वो कह रहे हैं कि जी कराची की, चूंकि अब जाहिर है कि हमारे पास कुछ ऐसी वीडियोस हैं, मुझे नहीं पता कि जाफरी साहब मुझे परमिशन देंगे नहीं देंगे वो चलाने की, कब चलानी है, उससे ये साबित होता है कि जब परी जहीर के साथ गई है, उसने पसंद की शादी की है, तो एक सूबाई वजीर साहिबा जब एक्टिव हुई हैं
तो सूबाई वजीर साहबा के ड्राइंग रूम में, जहां परी के वालिद मोहतरम तशरीफ फरमा थे, कुछ वीडियोस ऐसी आई हैं वहीं पर उनके ये ताया भी मौजूद थे, और वहीं पर जो वकील हैं वो भी मौजूद थे। तो मेरे अब पास तो वो वो ये कह रहे हैं, कभी नहीं आऊंगी। हाँ चले, वो वक्त आने के ऊपर वो वीडियोस और ऑडियोज और सारी अभी चीजें आ नहीं, जाएंगी। अभी अभी नहीं, काफी अभी साहब ने नहीं, मुझे अभी मना नहीं। किया था। वो जो वीडियो है ना, वो बड़े पर्दे पे दिखाने वाली है, ताकि जिन लोगों को अगर चले ये अच्छा, फ्राडिया फैमिली हाँ प्राइवेट लिमिटेड ना मिले, वो जाके हाथ जोड़ के उन अच्छा वजीर साहबा को बोलेंगे जी इनको प्रोड्यूस करें, ये अच्छा आपके अब दाएं मसला बाएं ये बैठा है करते कि, थे। अब मसला ये है कि वो ये एक तो ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, जो विक्टिम है ना जितने भी इस्लामाबाद के अंदर और जहां बाकी जगह पे, उन्होंने ये कुछ चीजें तो शेयर की हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने, और फिर ये वो तैयारी कर रहे हैं दो जगह पर, एक इस्लामाबाद में और एक कराची में। कराची में वो ये कह रहे हैं कि चूंकि जाहिर है कि अगर ताया जी का वेयर अबाउट नहीं पता तो कौन बता सकता है इस पूरी सिचुएशन के अंदर, तो वही बता सकता है जिसने अपने स्टेटस पे ये लिखा हो कि जी ताया जी के बगैर तो हम कुछ भी नहीं थे, और ये ना होते बड़े भाई तो हम कुछ भी ना चलते और एक कदम भी ना चल पाते, हम बड़े मोहसिन हैं इनके, सारी चीजें। जाहिर है कि उनके बगैर जो सांस भी नहीं लेते तो उनको पता है। फिर दूसरा ये कि एक सूबाई वजीर साहबा के घर के अंदर एक आदमी मौजूद है और वो दुनिया से फ्रॉड करके घूम रहा फिर रहा है, तो इसका मतलब है कि लोग उनसे भी पूछेंगे। अब वो पर्सनली मुलाकात करके पूछें या पार्टी पार्टी फंड के नाम पे, पार्टी या फंड के नाम पे। या फिर जो है वो अदालतों के अंदर उनसे रुजू करेंगे। फिर तीसरा ये है कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कराची के, जो ताया जी से बड़े क्लोज थे, ताया जी के बड़े यार थे और मददगार थे, सहूलतकार थे, खासकर नाम बदलकर उनकी जो लाइव सेशन के अंदर लाना, उनको अमेरिका में ले जाना, इधर ले जाना, फलां जगह ले जाना, तो वो उन सहूलतकारों के पास भी उनके नंबर्स हैं। तो जो मेरी इतला के मुताबिक हैं, जितनी विक्टम्स फैमिलीज हैं उनमें खवातीन भी हैं, और मुझे मुझे कल परसों की बात है कि एक फैमिली की कॉल आई इस्लामाबाद से, और मैं नाम नहीं बताऊंगा, भी बहुत सारी चीजें हैं चूंकि वो पाइपलाइन के अंदर हैं, तो जो उनकी स्ट्रेटेजी है जो उन्होंने बताई है, तो मैं डिस्कस करके उनकी स्ट्रेटेजी को खराब नहीं करना चाहता। उनमें ऐसे लोग भी हैं जो कि ताया जी के घर में आना जाना था, और उनको ताया जी के घर के बच्चों के नाम, मिसिस का नाम, पहली मिसिस का नाम, पहली मिसिस ने छोड़कर अब सियालकोट में किन साहब से शादी की है, उनके पास कौन सा बच्चा है, ताया जी के पास कौन सा बच्चा है, सब पता है। और उन्होंने मुझे, उनकी फैमिलीज ने मुझे एक एक चीज बताई है, और जी वो लोग एक खास स्ट्रेटेजी के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। इसमें इस्लामाबाद के अंदर वो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अदालतों से रुजू करेंगे, फिर जो सूबाई मुशीर साहब हैं उनसे मिलेंगे कि भाई आप ये बताएं कि चूंकि मसला ये है कि जो बंदा भागा हुआ है, मफरूर है, वो आपके ड्राइंग रूम तक कैसे पहुंचा, जी और जो परी के वालिद हैं वो तो सब चीजें जानते हैं ना, उनकी तो सीडीआर से निकल आएगा, और बिल्कुल सीडीआर में व्हाट्सएप डाटा भी आता है, आपको पता है ये बात नहीं, सुनहरा। अगर इराक का नंबर हो किसी के पास तो वो भी आ जाएगा। मैं बता दूं आपको नंबर कौन सा है इराक का, छोड़े यार बिलाल, आप, बिलाल तू आपने आप उस्ताद है, बिलाल नहीं नहीं आप नहीं नहीं उस्ताद है यार। नहीं 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 चले, मैं बता नहीं रहा, आखिर में आता है 9689, ठीक है। अब ये जाहिर है कि जिसने समझना होगा समझ जाएगा, और शुरू में आता है 964, ठीक है जी, आखिर के चार डिजिट और शुरू के चार डिजिट मैंने बता दिए, ये कोड है इराक का और आखिर के मैंने चार डिजिट बताए। मेरी इत्तला के मुताबिक विक्टम्स को भी पता है और विक्टम्स के पास भी ये नंबर चला गया है, लेकिन मामला ये है कि अब उनको पकड़ना, देखें अब पकड़ना सिर्फ एक आदमी को नहीं है, इसमें तो पूरे सहूलतकार है ना, इसमें तो पूरी की पूरी एक चेन है, और इस पूरी चेन के अंदर हाथ डालने के लिए तो लोग कह रहे हैं कि, मुझे एक ने बताया है कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो ये वी केयर और दीगर हवालों से, वो 80 करोड़ रुपए की है, और जिन साहब अस्तफिरुल्लाह, 80 करोड़ रुपए की है, और जिन साहब ने मुझे बताया है उनकी पर्सनल जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन कोई 12.5 करोड़ रुपए की थी,
उनकी मिसिस से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बात बताई, सारी चीजें बताई हैं पहुंच गए और हो, सारी उधर पहुंच तफसील हैं। गए हो, पहुंच गए हो यार, जबरदस्त जबरदस्त। हफ्ते की रात उनसे मेरी बहुत डिटेल के साथ बात हुई, ठीक है, और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई हैं। अच्छा, अब जाहिर है कि अब मैं जो कह रहा था ना कि सीडीआर, ये जो सीडीआर होती है जुनैरा, इसमें व्हाट्सएप की कॉल इनकमिंग और आउटकमिंग दोनों काउंट होती हैं, पता है आपको ये बात। मेरी जी इत्तला के मुताबिक ताया जी के जो भाई जी हैं, परी के वालिद जी हैं, कुछ जी विक्टम्स ने उनकी सीडीआर निकालने का फैसला किया है और उसके लिए कहीं अप्लाई किया है। कराची के एक अच्छा यूट्यूबर, उनकी सीडीआर बमाए जो व्हाट्सएप है उसके लिए रुजू किया है, एक कह लीजिए किसी डिपार्टमेंट से। और फिर ताया अच्छा जी का जो अपना इराक का नंबर है जिसके ऊपर वो व्हाट्सएप ग्रुप से रابطہ करते हैं, उसकी भी सीडीआर निकाली जा रही है। और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर तो कनेक्शन जुड़ जाएंगे, फिर तो पता है ना क्या होगा, जब सब क्या पता होगा, नहीं कहाँ कहाँ से सहूलतकार। कनेक्शन जाएंगे, समझ नहीं में आ बिलाल, बिलाल बिलाल बिलाल, इन मॉडर्न दौर जी जो वीडियो एविडेंस है, जो ऑडियो एविडेंस है, वो एडमिसिबल है, जी वो जी इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ उसको काबिले दखाल शहादत समझा जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें तो तमाम चेहरे बड़े वाजे और पुरसकून बैठे, टांग पे टांग रख के ब्लू जीन्स पहन के नजर आ रहे हैं। अच्छा, ब्लू जीन्स भी पहनी हुई है। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं है, आपने ही तो देखी है तो उसके बाद देखे ना उनके साथ, और ये जो तस्वीर है आपकी, जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, और इसमें सेकंड एक चीज स्टेप देखे ना, अब यहाँ पे हमारी थोड़ी सी वकालत का काम होता है, क्योंकि हमारा सारा दिन काम ये होता है कि साबित करवाना और साबित करना। हमारे पास क्रॉस एग्जामिनेशन के जो 1-1.5 घंटा होता है उसमें हम पता नहीं क्या क्या निकलवा लेते हैं, और अगले को पता भी नहीं होता वो क्या बता रहे हैं। बिलाल बिलाल सर ये आप ना, ये जब किसका अकाउंट है? नादिर बतूल के नाम से। चलें जी, चलें जी, जाफी साहब कुछ कह रहे हैं आप। जब जुनैरा जी जिस वक्त ये लड़की घर से भागी, जारा की मैं बात कर रहा हूं, उसके थोड़े अरसे के बाद जब ताया जी को ख्याल आया कि ये तो हमारी लॉटरी निकल आई है, जी लड़की निकली है और लॉटरी भी साथ निकली है, बिल्कुल फ्रंट पे कौन आ, जाफर साहब आप स्टक हो गए हैं, दोबारा से आइए। फ्रंट जी जी आप बोले, नहीं स्टक है, पे मेरा ख्याल आप जाके वापस आए। जाफरी साहब आप जाके वापस आए, एडमिन हटा दो। जी बिलाल साहब, यानी कि अभी तो इतना कुछ है कि हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो हमने लोगों को कहाँ से दिखाना और बताना है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कमेंट सेक्शन में हजारों की तादाद में लोग मैसेजेस करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि जनाब हमारे साथ भी फ्रॉड हुआ, हमारे साथ भी फ्रॉड हुआ। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ही ईमेल्स कर रहे हैं, यहाँ तक उन्होंने बताया कि खाद के नाम पे भी लूटते रहे हैं, गाड़ियों के नाम पे लूटते रहे हैं, मतलब बाहर के मुल्कों में हज और उमरा के नाम पे लूटते रहे हैं। मतलब कोई ऐसा बंदा इन्होंने छोड़ा नहीं है, एक शहर को पूरा लूट लेते हैं, फिर वहां से भाग जाते हैं और किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। आपको लगता है कि डॉक्टर साहब की रकम जो है, जो सिर्फ महज 70 लाख है, वो पूरी हो जाएगी, निकल आएगी? नहीं आएगी। मुझे तो लग रहा है बिलाल, इंडिया में ना दो फिल्में आई हैं, बंटी और बबली 1 और बंटी और बबली 2। जी वो बंटी बबली या इनके पुरख हैं, पुरख समझते हैं ना आप, जी, इनके अबाव अजदाद हैं, या ये जो है वो उसके बंटी बबली के पुरख हैं। बात यह है कि इनके फ्रॉड का तरीका बड़ा जबरदस्त है, लेकिन मैं इस चीज के ऊपर आता हूँ, इनके फ्रॉड पे हम बात कर रहे हैं और साथ साथ होती रहेगी। जब लड़की निकली, साथ लॉटरी भी निकली, ताया जी सामने आए, ताया जी ने सबको डील किया, ताया जी एज अ स्पोक पर्सन जिसकी हजारों शोज मौजूद हैं, ताहिर बन के आए, उनकी आवाज मौजूद है,
फिर वो आइडेंटिफाई हो गए। आइडेंटिफाई होने के बाद डॉक्टर साहब के लाइव में जो उनके सबका दोस्त थे डॉक्टर साहब और सबका एक वकील साहब दोस्त थे और सबका एक दो और साफी टाइप के उनके दोस्त थे, उन्होंने इस चीज को फिर एडमिट किया कि ये वही है, आसिम ही है। फिर कुछ रसीदें हमारे पास आई, ठीक है। अब चीज ये है कि इन सारे सबूतों से पहले ही ये इस्टेब्लिश हो चुका था कि आसम और मच्छी आपस में एक हैं। और जी सबसे बिल्कुल बड़ा सबूत ये आ गया, सबसे बड़ा सबूत ये आ गया, सुनहरा तुम करती तो काम हो ना एक्साइटमेंट में, ठीक है, लेकिन वो तुम्हारी कभी कभी एक्साइटमेंट बड़ी काम की साबित होती है। तुमने अगले दिन कुछ स्क्रीनशॉट मुझे भेजे स्टेटस के, जी जो कि एक खूबसूरत मलका यूट्यूब ने लगाए हुए थे, उसमें वो एडमिट कर रहा है। देखो बिलाल, सीडीआर की आपको अरे जरूरत अरे नहीं अरे है। अरे 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 अगर आप में से किसी के पास है तो दिखा सकता है वो। क्या वो स्क्रीनशॉट्स नहीं, एक हाँ, उस स्क्रीनशॉट ताया जी का, स्क्रीनशॉट में ताया जी का, ताया उन जी का। एक ऑडियंस मिनट मैं उन बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ऑडियंस में मैं बताता हूँ, ऑडियंस मैं बताता हूँ। हुआ ये कि जी परी के वालिद मोहतरम ने हमारे लाइव सेशन के अंदर जो डिस्कशन हुआ कि जी उनके बड़े भाई स्कैमर हैं, फ्रॉड किया है, और उसके साथ परी के वालिद मोहतरम भी उस फ्रॉड का हिस्सा हैं। तो परी के वालिद मोहतरम ने अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया और चार पोस्टें की, ठीक है, जी ठीक है। अब अगर जरा इसको गौर से सुनिएगा कि कितना बड़ा उन्होंने सबूत उन्होंने अपने हाथ से हमें प्रोवाइड किया है, अदालतों को प्रोवाइड कर दिया है। जी हुआ कुछ यूं कि कुछ यूट्यूबर्स ने जो स्टेटस लगाया उन तक वो कैसे पहुंचा, सवाल ये है। जी वालिद मोहतरम ने जो स्टेटस लगाया वो तो अपने व्हाट्सएप के अंदर लगाया, जी उसी जी स्टेटस को कॉपी किया ताया जान ने, परी के जी ताया जान ने उनको स्क्रीनशॉट लिया जो के परी के वालिद मोहतरम ने स्टेटस लगाया, और वही स्क्रीनशॉट भेज दिया जो अपने मनपसंद चेले किस्म के जो जर खरीद गुलाम थे यूट्यूबर्स, जमीर फरोशों का एक टोला है, लंबी फहरिस्त है, उन सबको कराची में, लाहौर, इस्लामाबाद और पता नहीं कहाँ कहाँ उन सबको भेजा कि ओ देखो तुम्हें पैसे खिलाएं, अब तुम्हारा काम है दिफा करो मेरा, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि उन व्हाट्सएप के अंदर जो भेजा कुछ ग्रुप्स के अंदर और कुछ इंडिविजुअल्स को, तो कुछ हमारे दोस्त वहां मौजूद थे उसी जी ग्रुप के अंदर, जहां जी ताया जान ने वो स्क्रीनशॉट भेजा, और जो ताया जान का स्क्रीनशॉट है जिस ग्रुप के अंदर आया वो अगले 4 से 5 मिनट के अंदर मेरे पास भी आ गया और शायद जाफरी साहब के पास भी आया है, बिल्कुल आ गया, ठीक है। मैंने अपनी वो कम्युनिटी में भी अब हाँ, दिखाया। वो हाँ कम्युनिटी पर भी लगाया। तो ऑडियंस इसका मतलब ये है कि जाहिर है कि अगर ताया जान अकेले हैं और पापा जान अगर उनका हिस्सा नहीं है तो कैसे पापा जानी लगाते हैं स्टेटस और वो स्टेटस पहुंचता है ताया जानी के पास, और ताया जानी फौरन ही उसको भेजते हैं यूट्यूबर्स के पास कि बच्चों मेरा दिफा करो, जी ये ठीक है, स्टेटस ये दिफा करो, ठीक है। अच्छा है, इसको आई हैव दिखा दे नो थोड़ा, सिबलिंग एट ऑल गो एंड चेक नहीं, माय इसको तो छोड़ें, मतलब ये नहीं था, आगे दिखाएं एडमिन आगे, अगर आपके ये भी नहीं, एक और है आगे छोड़ें। हाँ यही है। सुन ले सुन ले जी सुन जी ले सुन ले, नॉट अ हाँ सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड कैन क्लेम दैट ही हैज गिवन मी अ सिंगल डैम रुपी अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर साहब हेल्प विच द डिड थ्रू ताहिर भाई। आए ताहिर हाय भाई, हाय, ताहिर अभी क्या भी ताहिर का नाम कन्फेशन इस्तेमाल है, है। क्या कन्फेशन है। आई मस्ट से सम पीपल नो व्हाट क्राइम दे डिड इन द केस सो दैट दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ पीपल, लेट देम बी, लेट देम बार्क दे आर क्राइंग बिकॉज सॉर्ड्स आर ऑन देयर क्या नेक्स्ट नेक्स्ट आर ऑन मतलब हमारे गर्दन पे तलवारें हैं, इसलिए हम लोगों की अटेंशन को स्वॉर्ड। डाइवर्ट करने के लिए जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं, ये कहना है मोहतरम मच्छी साहब का। और वो कह रहे हैं कि मेरी मेरा जो पाँव है वो इन लोगों की गर्दन पे है, सून देयर इज अकाउंटेबिलिटी और इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, कीप वॉचिंग।
इट्स मोर फन देन पीएसएल. वो कह रहे हैं कि पीएसएल से ज्यादा ये इंटरेस्टिंग होने वाला है. जाफरी साहब कहाँ चले गए हैं, आपकी जरूरत है. वो कह रहे हैं कि पीएसएल मैच से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ही होने वाला है. ये आप लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं, ऑडियंस को कह रहे हैं. और वो कह रहे हैं कि मेरा जो पैर है वो इनकी गर्दनों पर आ चुका है, इसीलिए ये इस तरह कर रहे हैं. और मुझे ताहिर भाई के अलावा किसी ने पैसे नहीं दिए. जी जाफरी साहब, उसने कहा इसमें कि कुछ लोगों को पता है कि उन्होंने क्या क्राइम किया है. बिल्कुल, आसिम को पता है उसने क्या किया है. मच्छी, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है. और हैंडसम पांडे को भी पता है उसने क्या किया है. बाबा जी तो अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, वो जा चुके हैं. तो तलवारें अब बाप के सरों पे लटक रही हैं और अब बाप को पता है कि डाइवर्शन कौन लगाना चाह रहा है और कौन इधर की उधर और उधर की इधर अब हांक रहा है और कच्चा धुआं छोड़ रहा है. और मच्छी, तेरे स्टेटस साफ बता रहे थे कि तेरी फट चुकी है और तू कच्चा धुआं छोड़ रहा है. और तू इतनी बुरी तरह से कच्चा धुआं छोड़ रहा है कि तूने पूरा कराची काला कर दिया है. और बिलाल देखो, एक नॉर्मल होता है ना, आपने किसी के ऊपर गुस्सा निकालना है. ये बिलाल, आप और जुनैरा, आप दोनों को सलाम है कि आप इनको सफाइयां देने पे ले आए हैं. जी ये आप दोनों को, जाफी सर मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ. आपने माशाल्लाह बड़ा उजला लिबास पहना हुआ है सफेद रंग का, और आप अक्सर कच्चे धुएं की मिसाल देते हैं. तो कच्चा धुआं जब निकलता है, जैसे किसी कमरे में भी कच्चा धुआं हो तो वो पूरे कमरे को काला कर देता है. तो आप बड़े अच्छे वकील है माशाल्लाह, लेकिन मैं कहती हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी में ना एक कमी है. पूछेंगे नहीं क्या, क्या अगर आपका रंग हो जाए ना रज के काला और मूछे आप कर लें सफेद, तो वो जो ब्लैक एंड व्हाइट मूछों वाला और काले रंग वाला कॉम्बिनेशन है ना, क्या कमाल के लगेंगे आप. बचपन में जूतों को व्हाइट कलर के. जाने नहीं, नहीं 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 कह रहा वाइट कहीं लगा के आ जाएगा ना कह रहा. चले आ जाए, जबरी साहब आ जाए, आ जाए. चले जी वाइंड अप करें इसको. मेरा फूल गिरा दिया इसने, मेरा फूल गिरा दिया. जबरी साहब ट्रेनिंग है ना मेरी, खबर ना कि क्या करूं, मेरे अंदर से वो चीज जाती नहीं है. अच्छा बिलाल, बड़े बड़े वो कहते हैं ना कि क्या गिरे क्या गिरे, वो इस तरह कहते हैं ना कि बड़े बड़े मीनार गिरे, पता नहीं क्या क्या गिरे हैं. बड़े बड़े लोग झूठ बोल रहे हैं. जुनैरा मुझे एक बंदे की कॉल आती है, जुनैरा मुझे एक बंदे की कॉल आती है. वो बंदा बेचारा बड़ा परेशानी के आलम में था, ऐसे लग रहा था जिस तरह वो 12 मील पैदल भाग के आए और उसको किसी ने पानी नहीं दिया. और अभी भी वो जो है ना, वो गर्मी और प्यास की शिद्दत से हांप रहा है. और मुझे कहता है, यार जाफी मुझे तो पता चल गया है. मैं कहता हूँ क्या पता चला है भाई. कहता है मुझे पता चल गया इन्होंने कितनी बड़ी गेम डाली है. मैंने कहा कहाँ गेम डाली है. कहता है मेडिकल बोर्ड में जो मेडिकल बनवाया गया है वो किस तरह से बनवाया गया है. मैंने कहा बहन सानू पता है. कहता नहीं नहीं तुम लोग तो कह रहे थे लेकिन अब मुझे भी पता चल गया. मैंने कहा आपको कैसे पता चला. कहते हैं मेरा एक कजन. यार सुन लेना, चुप कर सुन लेना. वो कहता है कि मेरा कजन उस बोर्ड में था. अल्लाह अकबर. मेरा कजन उस बोर्ड में था और उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी. और साथ ही वो बंदे ने एक ख्वाहिश का इजहार किया. कहते हैं भागे ना, अभी मैंने आपको एक और चीज सुनानी है. और साथ ही उस बंदे ने एक ख्वाहिश का इजहार किया. मुझे कहता है कि मुझे बिलाल का नंबर दो, मैंने बिलाल से बात करनी है. मैंने फिर बिलाल का नंबर दिया, बिलाल का मैंने नंबर दिया. और फिर कभी कभी एक कप चाय तुम और मैं, कभी एक थम्स अप तुम और मैं. फिर इन्होंने एक स्प्राइट की बोतल में लून डाल के पिया दोनों ने. लून ऑडियंस नमक को कहते हैं. लून डाल के पिया. फिर मोहब्बतें इनकी वो बन गई कि एक चाय का कप होता था, एक बिस्किट होता था, वो भाईजान डबोते थे. जो टूट जाता था वो बिलाल निकाल के खाता था, जो हाथ में बचता था वो.
इन मोहब्बतों को फिर लगी नजर और वो पकड़े गए। अच्छा, वो फिर पकड़े जाने के बाद उनका तकरीबन नीम सोशल बायकॉट हुआ, उनको कोई बुलाते ही नहीं था। ओहो, उनको एक आदत है कि वो रात को सोने से पहले 15-20 झूठ ना बोले और अपनी मुफक्करी ना झाड़े, तो उनको रात को नींद जाती दफारी हो जाती है। अच्छा अच्छा दफारी का पता है ना, वो जो पेड़ निकल आता है। तो उनको एक दफा एक क्या है, इनकी डॉक्यूमेंट्स को हमने ब्लर करके दिखाया, हमने कोई चीज आपको नहीं दिखाई है। जो चीजें दिखाना बहुत जरूरी थी वो इसलिए जरूरी थी क्योंकि पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, और ये फ्रॉड जो है ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है ये हम आपको पहले वाले लाइव सेशंस में दिखा चुके हैं। इससे प्रीवियस वाले लाइव सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं देख लीजिए, हर लाइव सेशन में हमने बहुत सारे सबूत दिखाए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट और शेयर करें और शेयर करें और शेयर करें दोस्तों को, शेयर करें ये सबको, इंटीमेट करें हमारे लाइव सेशंस को। सदका जारिया समझ के इसलिए शेयर करें क्योंकि बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं जो हमारा लाइव सेशन देखने के बाद ये कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये वो फ्रॉड फैमिली है इन्होंने हमारे। अच्छा जुनैरा, जुनैरा बेटा फेसबुक पे कर रहे हो इनको? नहीं फेसबुक पे नहीं कर रहे। फेसबुक पे करो, ये सारे अपलोड करो फेसबुक पे। चले ठीक है, तो फेसबुक पे भी इंशाल्लाह इसे अपलोड कर देंगे। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज़।